उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय ब्राह्मण समाज को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। भाजपा, कांग्रेस हो या फिर सपा बसपा, हर कोई इस बेस वोट बैंक को सहेजने में लगा हुआ है। हाल ही में बीएसपी शासनकाल के पूर्व मंत्री और विधायक रामवीर उपाध्याय के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद कयासों का दौर चल निकला। बाद में उनके बेटे चिराग उपाध्याय के भी सोशल मीडिया पर भाजपा ज्वाइन करने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। जब बसपा नेताओं ने रामवीर उपाध्याय को लेकर बयान दिया, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि रामवीर उपाध्याय पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पहले से ही निलंबित चल रहे हैं, ऐसे में उनके किसी भी दल में जाने से बीएसपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री रामवीर उपाध्याय जी बहुजन समाज पार्टी से एमएलए हैं, जीत के आए थे, लेकिन ये आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान में उनकी जो पार्टी के विरोधी गतिविधियाँ थीं, पार्टी के विरोधी जो कैंडिडेट्स जो चुनाव लोकसभा में लड़ रहे थे, उनकी उनके द्वारा मदद की गई थी। और इसको ले करके जब वो देखा गया कि लोकसभा के चुनाव में वो इस तरह का उन्होंने काम किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने श्री रामवीर उपाध्याय जी को पार्टी से उसी समय निलंबित कर दिया था। तो वो पार्टी से, तो जब से निलंबित किए गए तब से ही पार्टी से वो इस समय एक्टिविटीज से सब बाहर हैं। और अगर उनका उनका लड़का, वो तो कोई हमारी पार्टी का मेंबर भी नहीं है, ना बहुजन समाज पार्टी कोई मेंबर है, तो वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो उससे बहुजन समाज पार्टी को कोई किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से इस समय कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, और जैसे कि खास तौर से ब्राह्मण समाज के ऊपर खुलेआम अत्याचार हो रहा है, और ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं दुखी होकर के, चाहे वो किसी पार्टी में हो, बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने कि करके दिखाया पूर्व में कि बहुजन समाज ब्राह्मण समाज को अपने साथ में ले करके और उनके हितों के लिए पूरी खुल के लड़ाई लड़ने काम किया। बहन मायावती जी ने अभी हाल में भी, कल भी उन्होंने इसी बात का स्टेटमेंट भी दिया, ट्विटर भी जारी किया, और उन्होंने कहा कि ये प्रताड़ना बंद की जाए ब्राह्मण समाज को। इस तरह से अब ये उसको लेकर के, अब ये हो सकता है कि रामवीर उपाध्याय जी को जो कि पार्टी से पहले से निलंबित हैं, उनको इस समय अपने यहाँ दिखा करके कि हमसे मिले या उनके लड़के को ले रहे हैं, इससे कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे पूर्व में भी पश्चिमी यूपी के ब्राह्मणों में बड़ा चेहरा माने जाने वाले बृजेश पाठक भी पार्टी का दामन छोड़कर जा चुके हैं। उसके बाद ब्राह्मण नेता के रूप में रामवीर उपाध्याय के भी बीएसपी से अलग होने पर बीएसपी को करारा झटका लगना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ही नेता अपने समाज में अच्छी पैर रखने वाले नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि ब्राह्मण हितैषी राग अलापने वाली बीएसपी आगामी विधानसभा चुनाव में इस बड़े वोट बैंक को साधने के लिए क्या रणनीति अपनाती है।